तो क्या हाल चाल है भाई लोग। तो देखो आज हो गई है 1 जून और 1 जून 2021 इस डेट को ना बहुत कुछ घटा है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। सबसे पहली बात, मेरे शहर में लॉकडाउन आधा खत्म हो गया है। दिन में सारी दुकानें खुलेंगी, मार्केट खुलेगा, आपको जाने की आजादी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन हाँ, रात में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। दूसरी चीज, मेरे चाचा और चाची की मैरिज एनिवर्सरी है तो अभी नीचे वेट कर रहे हैं, जल्दी से कांग्रेचुलेशंस लिखो। और हाँ, 24 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरी चीज जिसके लिए हम आए हैं, गूगल फोटोज। तो हाँ, 1 जून को गूगल ने अपने गूगल फोटोज का फ्री और अनलिमिटेड स्टोरेज जो आपको मिलता था वो खत्म कर दिया है। पर ऐसे कैसे, हमसे थोड़ी ना बच जाओगे, कुछ तो बता के जाएंगे आप लोग अभी भी इस्तेमाल कर सको। तो वेल, आज की वीडियो में वही बताने वाले, साथ ही कुछ इस बारे में भी बात करेंगे कि क्यों ऐसा किया, नहीं जरूरत क्या थी, मतलब सब कुछ अच्छा चल तो रहा था। वेल, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी ऐसे मजेदार जोक्स और मजेदार कॉन्टेंट दोनों मिलता रहेगा। इंट्रो। अब देखो, पहले मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि कैसे आप अभी भी पा सकते हो, एंड में बात करेंगे ना, तब तक थोड़ा मजा करते हैं, बातचीत करते हैं। तो अभी बात करेंगे क्या जरूरत थी हमको ऐसे तलब लगाने के बाद में, क्यों धोखा दे करके फ्री स्टोरेज हमसे छीन लिया। Why? Once upon a time in USA, तो एक बार की बात है, अमेरिका में कंपनी थी जिसका नाम था गूगल। उसने अपने आप को चलाने के लिए, यूजर्स को अलग अलग चीजें प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करी, जिनमें से गूगल फोटोज भी था। क्योंकि यहाँ पे आपके फोटोज ऑटोमेटिकली बैकअप होते थे, आपके पास अनलिमिटेड स्टोरेज हुआ करती है जहां आप अपने फोटोज को रख सकते हो, और इसके लिए आपको एक फूटी कौड़ी तक नहीं देनी होती थी। अब सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि आ जाता है 2020 और गूगल का अनाउंसमेंट। अब एट द एंड गूगल भी एक कंपनी है और कंपनी मांगे पैसा, दिल मांगे मोर, कंपनी मांगे पैसा। पैसा ही पैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब हमारे पास में इतने सारे यूजर्स हैं कि हम जिससे भी पैसा मांगना चाहेंगे, लोग अगर मजबूर होंगे हमारी सर्विस इस्तेमाल करने के लिए तो वो लेंगे। गूगल ने इंट्रोड्यूस कराया अपना नया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गूगल वन। मतलब प्लेटफॉर्म तो इसको कहना गलत ही होगा, कुछ भी बोल देता हूं कभी कभी। गूगल की एक नई सर्विस, इसको आप लोग कह सकते हो। अब बेसिकली सर्विस का काम क्या है, इसका काम है आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करना। अब जब आपको फ्री में सारे काम मिल रहे हैं तो गूगल की सर्विस खरीदेगा कौन। गूगल ने यह चीज नोटिस की कि यार पैसा नहीं आ रहा है मार्केट में, तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये जिसका भत्ता राशन पानी हम लोग चला रहे हैं फ्री में, सबका बंद करो, सबसे पैसे लेने। तो गूगल ने जो 15 GB आपको आपके ड्राइव के लिए मिलता था, वो 15 GB छोड़ा है। आपके गूगल के जितने भी सर्विसेज होंगी, आपका जीमेल हो गया, आपके फोटो वीडियो गूगल फोटो कुछ भी है XYZ, आप उस 15 GB के अंदर तो रख सकते हो। 15 GB को आप एक्सीड नहीं कर सकते, चाहे गूगल फोटोज की क्यों ना बात हो। और पैसा कमाने की बात है तो गूगल कितना पैसा कमाना चाहता है। देखो 100 GB पर मंथ आपको गूगल प्रोवाइड कर देगा गूगल वन के सब्सक्रिप्शन के थ्रू, और यहां पे आपको गूगल को देने होंगे ₹130 प्रति महीना। और कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि गूगल ही क्यों, कोई दूसरी ऐप भी तो है जो हमें फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करती है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल हाँ, अच्छा ऑप्शन ये भी है, लेकिन इसके साथ में एक छोटी सी ट्रिकी चीज हो जाती है, वो क्या है। गूगल देखो आपके फोन में एक तरह से बाय डिफॉल्ट, आप मान लो जब आपने अपना फोन लिया, कोई भी नया लिया या पुराने से नए पे स्विच करके आप लोग गए, तो वहां पे बस आपको अपने जीमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। उसके बाद में आपकी सारी सर्विसेज एज इट इज जैसे पुराने फोन में थी वो नए पे आ जाती है, आपके सारे फोटो सर्वर पे सेव है, वो नए फोन के अंदर आ जाते हैं। तो सारी चीजें काफी ज्यादा हैंडी हो जाती है, इजी टू यूज हो जाती है। और अगर कोई दूसरी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, फिर उसमें आईडी डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, सारा कुछ सेटअप करना होगा, क्या क्या वो बैकअप करे ना करे। बाय चांस आपने फोन चेंज किया, आपने फोन को रीसेट कर लिया या कोई भी चीज ऐसी होगी, तो आपको फिर से वो एप्लीकेशन दूसरे फोन में डालनी होगी। अब गूगल तो बाय डिफॉल्ट हर उसमें आ ही जाता है, कई बार आप दूसरी चीजों को भूल जाते हो, तो थोड़ा सा बेनिफिट ये है। लेकिन हाँ, इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है कि आप लोग कर ना सको, और भी बहुत सारे अच्छे प्रोवाइडर्स हैं जो आपको फ्री में थोड़ी बहुत स्टोरेज प्रोवाइड कर देते हैं। वैसे 15 GB तो गूगल भी कर ही रहा है, तो इस थोड़ी बहुत स्टोरेज में आप अपने फोटोज को रख सकते हो बैकअप करने के लिए। मेगा जैसी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है जो कि मुझे काफी अच्छी लगती है, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा स्टोरेज आपको नहीं मिलती। बात करते हैं डीगू की, तो डीगू पिछले समय से काफी स्ट्रगल कर रहा है और काफी ज्यादा लोगों को पसंद भी आता है, क्योंकि उसके अंदर आपको 100 GB फ्री स्टोरेज मिलती है। वहां पे आप फोटो तो छोड़ो, पूरी की पूरी बारात की वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हो। इसके अलावा ड्रॉप बॉक्स भी है, थोड़ी बहुत स्टोरेज आपको वहां पे मिल जाती है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप गूगल भी करोगे तो आपको ढेरों मिल जाएंगी। जो भी आपको वहां पे ट्रस्टेड लगे, आप एक बार थोड़े रिव्यूज वगैरह चेक कर लेना, वो आप यूज कर सकते हो अगर आप 15 GB को एक्सीड कर जाते हो। मतलब 15 GB के आप फोटोज करोगे, मेरे ख्याल से
बहुत समय लगेगा इस चीज में, पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा। फाइनली अब बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब आ जाते हैं उस तरीके पे जिससे आप अभी भी गूगल फोटोज को फ्री अनलिमिटेड और पहले जैसे यूज कर सकते हो एकदम मजे में। पहली चीज जो गूगल कहता है, अगर आपके पास में गूगल पिक्सल का फोन है, यानी कि हमारी खेत की खेती ही आप लोगों ने, हमारी फसल ही आप लोगों ने ली है, तो आप फ्री में अभी भी पहले जैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पे आपको कुछ लिमिट वगैरह दिखाएगा लेकिन वो आपके लिए नहीं होंगी, बस वो दिखाएगा कि हाँ चीजें बदली है। इस चीज के लिए आप अभी भी अपने फोटोज को, अपने वीडियोस को एक हाई क्वालिटी में, ओरिजिनल क्वालिटी में तो नहीं, पहले भी नहीं कर सकते थे, हाई क्वालिटी में अपलोड कर सकते हो अगर आपके पास में पिक्सल डिवाइसेस है। अब आप में से कुछ मेरे प्यारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि ये चीज तो हमें भी पता है, नया क्या है। तो देखो अगर आप लोग, अब बताने जा रहा हूं कमाल की बात, लाइक तो बनता है भाई, लाइक करो पहले अभी के अभी। अगर आप अपने फोन पे कोई कस्टम रोम यूज कर रहे हो, ज्यादातर कस्टम रोम्स आपके फोन को ये भ्रम करा देती हैं कि आपका फोन पिक्सल एक्सपीरियंस है। अभी जिस फोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो भी मेरे फोन को भ्रम दिलाए हुए है कि हाँ तुम पिक्सल एक्सपीरियंस यूज कर रहे हो, वो भी पिक्सल 5। तो आप अपने फोन पे कस्टम रोम यूज कर सकते हो और उसके बाद में जब आपके फोन को भ्रम हो जाएगा कि कस्टम रोम आप यूज कर रहे हो पिक्सल वाली और पिक्सल आपका फोन बन चुका है, तो वहां पे आपको अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज मिलेगी। और अगर आप लोग अभी भी कस्टम रोम यूज कर रहे हो जिसमें पिक्सल आपके फोन को दिखाया जाता हो, तो गूगल फोटोज में जाके चेक कर लो, वहां पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। बल ये स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जो मेरे फोन में दिख रहा है, आप लोगों के में भी दिखेगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मुझसे पूछेंगे कि भाई कौन सी रोम अच्छी रहेगी, तो देखो मैं पर्सनली कुछ रोम्स यूज करता हूं जो आप लोगों को मैं सजेस्ट कर सकता हूं। सबसे बेहतर तो रहेगी पिक्सल एक्सपीरियंस। वेल पिक्सल एक्सपीरियंस आप तो रह के आप बूट लोडर भी लॉक कर सकते हो, उसका वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया, आई बटन में वीडियो दे दूंगा, शायद इधर ही आता है मेरे ख्याल से, या इधर जहां भी आई बटन आएगा वहां पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। बूट लोडर भी लॉक कर सकते हो, ऑप्शनल है, लेकिन बिना लॉक किए भी आपको स्टोरेज मिल जाएगी। दूसरी आप नेजुको यूज कर सकते हो, नेजुको में बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा सॉलिड मिलता है, मैंने यूज किया था तो मैं तारीफ करते करते थका नहीं था उसकी। नेजुको वालों को मैं जानता भी नहीं, पैसे देने की बात तो छोड़ो अगर आप लोग सोच रहे हो स्पॉन्सर थी। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी, क्या नाम था, कॉर्वस ओएस, उसको कैसे बोल सकते हैं, तो कॉर्वस ओएस भी आप लोग यूज कर सकते हो। और इसके अलावा चैनल पर मैंने ढेरों ऐसी रोम्स हैं जो रिव्यू की हुई है, पैलेडियम हो गई, डॉट ओएस हो गई, और पता नहीं क्या बिंदु ओएस, पता नहीं कौन कौन से ओएस हैं, तो आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो। हाईली 3 मैं रिकमेंड आप लोगों को करूंगा क्योंकि ये भरोसेमंद है, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर तो बोल रहे होंगे कि आज इतने जॉक कैसे मार पा रहा है वे, और दिन तो नहीं मारा करते थे, तो भाई आज सूरज बाबा का शटर थोड़ा सा डाउन है, रात यहां पे आंधी आ गई थी जिससे चलते इंटरनेट भी बंद है, बादल आए हुए हैं और सूरज बाबा आज छुपे हुए हैं, उसकी वजह से मैं पटर पटर बोल पा रहा हूं। वेल बहुत सारा ज्ञान दान आपके साथ में बांट दिया, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कांग्रेचुलेशंस मत भूलना जो स्टार्टिंग में बताया था, उनको भी यार अच्छा लगना चाहिए ना मतलब। और चैनल पर नया गया तो सब्सक्राइब बटन कर दो, इधर इधर जहां भी आपका आ रहा है लाल वाले को दबा के ग्रे कर दो, डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे, और डजंट मैटर एक घंटी नाम की चीज होती है वो आजू बाजू आ रही होगी, इसके वो भी दबा देना, ताकि जब भी मैं आगे ऐसा कुछ आपके लिए लेकर के आऊं इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैं तो ये कहूंगा ना आप लोगों को भी इंटरेस्ट आया होगा, तो आपको वीडियो मिल जाए। मिलता हूं आने वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी और दिन। गुड बाय।